बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सेफ केयर ट्रस्ट इंटरनेशनल है और मैं यहाँ पे एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हमने बात करना है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन ये क्या चीज़ है और इससे हमें किस तरह बचना है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि डिप्रेशन क्या है। टेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो टेंशन तनाव को कहते हैं। स्ट्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेस की उर्दू में लफ्जी माना है दबाव, ज़हनी दबाव। और अगर हम एंजाइटी के बारे में बात करें तो एंजाइटी का लफ्जी माना है परेशानी। सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करेंगे। स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में जो हालात आते हैं और उस हालात को हमने मैनेज करना है, उस हालात को हम स्ट्रेस कहते हैं। जिस हालात कभी कभी ज़्यादा तकलीफ देह होती है तो उसको हम माइल्ड स्ट्रेस कहते हैं। जब कोई हालात हम ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं तो हम उसको कैटास्ट्रोफिक स्ट्रेस कहते हैं। हम माइल्ड स्ट्रेस एग्जांपल हम दे अगर दे दे तो किसी से कोई पैसों का कुछ लॉस हो जाए तो हम उसको माइल्ड स्ट्रेस कहते हैं। और अगर किसी को रिलेटिव्स में डेथ हो जाए, किसी की माँ बाप की या स्पाउस की, तो हम उसको कैटास्ट्रोफिक स्ट्रेस कहते हैं। और ये कंडीशन आप लोगों को ज़रूर पता है कि कभी कभी ये कंडीशन चलते तो ये तनाव पैदा करते हैं जिसको हम टेंशन कहते हैं। और टेंशन आप लोगों ने जहन में रखना है कि टेंशन हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहते हैं। टेंशन वो कैफियत है जिसकी वजह से हम अनइजी फील कर देते हैं एक काम के सिलसिले में कि अभी हमने ये काम करना है और इस काम के बगैर मैं एजीनेस फील नहीं कर सकता। आपके मेंटल स्टेट की एक अराउसल होता है जिसकी वजह से आप किस एक्ट में मजबूर हो जाते हैं, आप किसी एक्ट पे डिवर्स कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप टेंशन में हैं। टेंशन हमने नॉर्मल जिंदगी में कुछ नॉर्मल लेवल तक लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ कोई लेक्चर लेने की टेंशन ना हो तो मैं लेक्चर नहीं ले सकता। अगर मेरे साथ कोई फैशन डील करने की टेंशन ना हो तो मैं पेशेंट्स के साथ नहीं बैठ सकता। हमने उस नॉर्मल टेंशन को लेना है मगर हमने ओवर टेंशन को नहीं लेना है। ओवर टेंशन का मतलब ये है कि कल मैंने कुछ काम करना है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसने कल एक डीलिंग करना है। आज उसके जहन पे एक टेंशन है, एक दबाव है, एक तनाव है। टेंशन को हम उर्दू में तनाव कहते हैं कि उस डील को हमने किस तरह हैंडल करना है। तो उस डील के बारे में कुछ ज़्यादा फिक्र करने को हम ओवर टेंशन कहते हैं। और इस ओवर टेंशन की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी के टाइम टेबल और सीक्वेंस ऑफ योर वर्क डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस टेंशन को नहीं लेना है। हम तीसरे एंजाइटी पे अगर आते हैं तो एंजाइटी आप लोगों ने ये भी जहन में रखना है कि स्ट्रेस की वजह से हम टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे एहसास ऐसे एक खास रिदम में चली जाती है जिससे हम माइल्ड या सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं, जिस हमारे जहन पे दबाव आता है और तनाव आता है। और आप लोगों ने टेंशन के बारे में ये सोचना है कि टेंशन की वजह से, ओवर टेंशन की वजह से टाइम टेबल और सीक्वेंस ऑफ और वर्क ऑफ रिदम ख़राब हो जाते तो, और एंजाइटी की वजह से आप लोगों में फेयर आ जाते हैं, डर आ जाते हैं। एंजाइटी का लफ्जी माना है परेशानी, लेकिन एंजाइटी की हम टर्मिनोलॉजी पे बात करें तो उर्दू में उसकी लफ्जी माना परेशानी है, मगर एंजाइटी की कंप्रिहेंशन ऐसे है कि एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है, हमारे मेंटल एक्टिविटी की एक ऐसी कैफियत है जिससे हमें आगे वक्त के लिए फ्यूचर के बारे में हमने इतना सोचना है कि उसके बारे में हम डर महसूस करें। फॉर एग्जांपल एक बंदा ने इन्वेस्टमेंट किया, एक बंदा ने कारोबार वगैरह किसी चीज़ में पैसे लगाई,
अभी उसके साथ डर है, मगर ये डर नॉर्मल से बहुत ज्यादा डर है कि हम अभी इस बिजनेस से हम ये इन्वेस्टमेंट पूरा करेंगे या नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा या नहीं, कुछ ज्यादा उसके साथ परेशानी है। और इतना परेशानी आप लोगों ने स्ट्रेस और टेंशन और एंजाइटी को नाम तब देना है जब आप लोगों के फंक्शनल एरिया को डिफेक्ट करे, वो इतना परेशानी हो जाए जिससे आप लोग रिलेशनशिप बहाल न कर सके, जिसकी वजह से आप लोगों के फंक्शनल एरिया, काम काज के जो आप लोगों की तरीक़ाकार है वो बदल हो जाए, और इसके साथ साथ आप लोगों की सोचों में कुछ फर्क आ जाए, तब्दीली आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोग एंजाइटी में मुब्तला हैं। आप लोगों के स्ट्रेस हमेशा आप लोग दबाव में रखेंगे, टेंशन या तनाव हमेशा आप लोगों के टाइम टेबल को डिस्टर्ब करेंगे जिंदगी के, इसके अलावा आप लोगों की एंजाइटी हमेशा आप लोगों को फेयर में रखेंगे। तो इस किस्म के वीडियोस के लिए आप लोग हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप लोगों ने बेल के बटन पे क्लिक भी लगाना है, और आइंदा वीडियो के लिए आप लोगों ने उसको लाइक भी करना है।